कि सपा बसपा के कुशासन से मुक्ति के लिए प्रदेश की जनता ने 2017 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत दिया। हम जनता का इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और एक वर्ष में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प के आधार पर सभी वर्गों के लिए ईमानदारी से काम करने का काम किया। चाहे विकास के मोर्चे पे देखिए, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पे देखिए, चाहे किसानों के जीवन में खुशी लाने के लिए की दृष्टि से देखिए, चाहे सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दृष्टि से देखिए, और चाहे बिजली की उपलब्धता की दृष्टि से देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से तमाम जो काम चल रहे थे उनको रोक देने की दृष्टि से देखिए, तो हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में बहुत शानदार कदम उठाया है। हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, जहां किसान, नौजवान, मातृशक्ति, इनके लिए हम अच्छा से अच्छा काम करके देने का काम करें, वहीं दूसरी ओर हमारा यह भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण की दृष्टि से हम गड्ढा मुक्ति ही नहीं किए, बल्कि आज ये कह सकते हैं गर्वपूर्वक कि हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़कों का निर्माण करना शुरू किया है जिनकी लागत कम है और लाइफ ज्यादा है, आयु ज्यादा है, और इसके कारण से जो जिन सड़कों पर हमें 10,000 करोड़ खर्चा करना चाहिए, उन सड़कों पे लगभग 1600 करोड़ रुपए की हमें बचत भी हुई है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टर समिट जो अभी संपन्न हुई, उसमें भी बड़े पैमाने पर निवेश के समझौते हुए। जब वह निवेश प्रदेश के अंदर संपन्न हो जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। सर, गोरखपुर और फूलपुर के जो नतीजे अभी आए हैं, जिससे आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है 2019 के चुनाव में? देखिए, विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीते हैं। मैं जीत के लिए निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के उन प्रत्याशियों को बधाई भी दूंगा, लेकिन मुझे लगता है, मैं इस बात की प्रतीक्षा में हूं कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कब करेगी। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और अगर विलय करके दोनों एक होकर के लड़ेंगे तो शायद उस दिन की मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि यह संदेश स्पष्ट तौर से अब उत्तर प्रदेश में, यह मैं मानता हूं, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली विपक्ष की जो पार्टी है वह नंबर एक हो गई है, और बहुजन समाज पार्टी श्री बहन मायावती जी की पार्टी नंबर दो की हो गई है। इसलिए मेरे समझ में यही आता है, और अगर समाजवादी पार्टी के अंदर बसपा का विलय होना है तो जल्दी जल्दी कर ले, तो यह जो समर्थन देना लेना, यह जो विषय है, यह समाप्त हो जाए, और जो हमें पराजय मिली है वो अपनी योजना बना करके दोनों लोग मिलना चाहते तो अलग अलग मिलने से अच्छा है कि एक दूसरे में विलय कर लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि सपा में बसपा का विलय हो जाएगा तब भी 2018 के उपचुनाव में परिणाम भले ही बसपा के समर्थन के कारण से सपा के पक्ष में गए हैं, लेकिन 2019 में हम 2014 दोहरा देंगे। तो 2019 में 2014 दोहराने की बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम, और ये भी कह रहे हैं कि जल्द होगा कि समाजवादी पार्टी बसपा में अपना विलय कर ले। बहरहाल, कफीलुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरकार के एक साल आज पूरे हो रहे हैं, उस मौके पर क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, आज दिन भर क्या होगा, इस पर कफीलुर रहमान की नजर होगी, वो हमारे दर्शकों को बताएं। कफील, बताइए कि आज कौन कौन से प्रोग्राम होंगे? जी देखिए राहुल, आज पूरा एक साल हो गया योगी सरकार को, इसको लेकर एक साल नई मिसाल नाम का कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया जाएगा, जहां 11 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम मंत्री विधायक लोक भवन पहुंचेंगे। यहां पे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें तमाम मंत्री विधायक शिरकत करेंगे, यहाँ पर नृत्य होगा, उसके अलावा एक साल नई मिसाल नाम की पुस्तक का विमोचन भी होगा। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो लोक भवन में आज आयोजित होंगे, और सरकार ने जो साल भर में काम किए हैं उसको लेकर मंत्री सरकार के सामने अपने विभागों के पूरे कार्य की योजनाएं बताएंगे, क्या क्या किया है। इसके अलावा बाकी बचे चार साल उसको भी लेकर कई रणनीतियां बनाई जाएंगी, इसमें बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। जी राहुल, चलिए कफील, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के सफल एक साल पूरे होने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई लगातार दी जा रही है, और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री जी